दो दुल्हनों का ऐसा घेरा जो बनेगा अग्नि फेरा। सृष्टि जी, आप ये चांद देख रही हैं? कैसे हमारे जीवन में संकट बन के आया था, आप देखिए कैसे मुस्कुरा रहा है। जब तुम ऐसे हैरान परेशान होती हो ना, तो और ज्यादा खूबसूरत लगती हो। ठेकेदारी का जो सारा काम है ना, वो देवर जी और बिसु संभाल ले, अनुराग को जो है वो लंदन भेज देते हैं। बट हम चाहते हैं कि तुम लंदन वापस लौट जाओ। हमको ना गलत मत समझो माँ, दरअसल हमने आपसे एक बात छुपाई। मतलब बात ये है कि मैं और रागिनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों वो झगड़े का सिर्फ नाटक कर रहे थे। साहब जी, ऐसा है कि सचमुच का आतंकवादी हमला हुआ है। थोड़ी देर बाद तुम्हारे स्टेट में बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आएगी। तुम लोग जो है ना, नया जमाने का हो, लेकिन अगर अपनी माँ का बात का मान रख लिया ना। अब माँ बोले ना, हम क्या कर सकते हैं आपको। बेटा, अगले 7 दिनों तक है ना, तुमको और रागिनी को, विश्व और सृष्टि को ना, शादीशुदा जीवन का शुरुआत नहीं करना है। तुमने तो कसम खाया था ना, किसी को ना मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे थे, तुम मुंह उठा के यहाँ चले आए। बस सिर्फ 7 दिनों तक है, उसके बाद जो है हमारा मन्नत पूरा हो जाएगा। पर माँ, हमारा शादी तो पहले से ही हो चुका है ना। आप सासू माँ, हम ये मन्नत वगैरह पर भरोसा नहीं करते, लेकिन आप पर आत्मोद के भरोसा करते हैं। जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। सासू मियाँ, आप मिस्टर जी को तो छत पे चढ़ना पड़ा आपकी माफी मांगने के लिए, लेकिन आपने हमें जो एकदम झट से माफ कर दिया। आपने इतना बड़ा दिल दिखाया हमारे लिए, तो हमारा तो जान हाजिर है आपके लिए। 7 दिन के आप तो 7 साल के लिए मन्नत मांगी होती ना, तो परेशानी नहीं थी। मान लो 7 दिन तब का कैसे तुम्हारा 7 जन्म बना देगी ना, उसे देखना तो। हाँ, लेकिन माँ ये बस बिटवा। बड़की ने जब मन्नत मांग ली है तो उसके आगे लेकिन की कोनो जरूरत ना है। अब हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं, जब आप मेरी पसंद को अपनी पसंद बना सकती हैं, तो हम आपके लिए इतना सा नहीं कर सकते। बिल्कुल करेंगे माँ, क्यों नहीं। अभी देखो, इसका मतलब है कि बड़की भौजी अभी 7 दिन और हमरा कमरा में रुकेगी, और जाने हम कब अपना कमरा में आराम से सोएंगे। आप कितनी स्वीट है, यू सच अ स्वीट हार्ट। आई लव यू माँ, तुम कितनी सुंदर, कितनी प्यारी, कितनी अच्छी हो। आई लव यू माँ। स्वीट हार्ट, ये तो मिस्टर जी आप हमको भी बोलते हैं ना कभी कभी, लेकिन ससुरा मतलब कभी समझे में नहीं आया। का का मतलब है का? अभी स्वीट हार्ट मतलब मीठा दिल। हाँ हाँ, और मेरी माँ का दिल तो बहुत मीठा है। मतलब बाहर से सख्त है, लेकिन अंदर से एकदम बड़ी मलाई जैसी। क्यों माँ, है ना। ठीक है, ये मन्नत बनना छोड़िए, आप बोलिए हम आपके लिए और क्या कर सकते हैं। नहीं बेटा, बस ये पूरा कर दो, इसी में हम खुश हो जाएंगे, और तुम लोग सब खुश रहो बस। जी माता रानी, आज हम आपके नाम से ना झूठा मन्नत मांगे हैं। हमको पता है कि हम पाप किए हैं, लेकिन हम एक माँ है ना, बेटे का जिंदगी बर्बाद हो तो वे नहीं देख सकते। हमें किसी भी कीमत पर रागिनी को अनुराग से अलग करना ही होगा, फिर चाहे बीच में आप खुद ही कहना।
की सारी की तरह ना तुम इस घर का इज्जत भी तार तार कर दी थी। जब तुमको देने के लिए इस घर में इज्जत बचा ही नहीं है तो कैसे दे? बाकियों का तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन हमसे कोनो उम्मीद मत रखना, समझे? और हाँ, ये घर का सारा लोग शायद तुमको ना इस घर का सदस्य मान लेंगे, लेकिन हम तुम्हें जिंदगी भर इस घर का सदस्य नहीं मान सकते, ये बात याद रखना। बताओ, हम ही देरी से पहुंचे हैं, यहाँ बाकी सब पहुंच गया, बाथरूम चल गए थे, वही चलते हैं। कुछ खास आपके लिए कटहल की सब्जी बनाई है। आपको बहुत पसंद है ना? आप खा के बताइए आपको कैसी लगी। अब अगर सब्जी तुमने बनाई है तो पूरी की पूरी मैं ही खा जाऊंगी। और लीजिए। हमको दे बहन। जी। वैसे कटहल की सब्जी सिर्फ हमें ही नहीं, ब्रिज भैया को भी बहुत पसंद है। हाँ बिटिया। आप लोग वो छोटे ससुर जी को बुलाने गए थे ना, तो क्या हुआ? अब हाँ, लेकिन वो आए नहीं। वो कह रहे हैं कि वो खाना नहीं खाएंगे। दिव्या, 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 क्या हुआ? ठीक हो ना तुम? मुंह पर करो। किसने कहा था इतना ठूस ठूस के खाने के लिए? अब ठीक है? हम ब्रिज भैया को खाना खिला कर आते हैं। अगर भैया जिद्दी हैं, तो हम भी उनकी बहन हैं। उनको खाना खिला कर ही रहेंगे। तुम्हारे हाथ है ना एकदम सिलिकॉन जैसे सॉफ्ट। मन तो करता है ऐसी जिंदगी भर इन्हें पकड़ के रखो। हमारा मन करता है कि हम ना आपकी कॉल ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे करके। कोई बोले मुझे आजा आजा हैंडसम, कोई बोले मुझे हाय हेलो सैमसन, कोई बोले तू चिकना है बड़ा, कोई बोले तुझ में बड़ा है दम। मैं सबसे बोलूं एक ही बात, एक लड़की भाई मेरे साथ, सोने जैसे बाल है उसके, चांदी जैसा तन, वो है वो है वो है वो है मेरी बेबी नंबर वन, वो है वो है वो है वो है मेरी बेबी नंबर वन। कालिंदी को अपनी मुद्रिका दे। यशोदा तथा गोकुलवासियों को अपनी सकुशलता का संदेश देने को कहते हैं कान्हा। मेरी मैया को दे देना, विश्वास कर लेंगे। विष्णु से शत्रुता निभाने तथा वैकुंठ में प्रवेश करने हेतु कंस करता है ऋषि पर अत्याचार। यमुना में कालिया को ढूंढते समय मैया सुनिधि से पारस को सकुशल लौटा लाने का वचन दे कान्हा करते हैं रसातल द्वार में प्रवेश। घर के आसपास किसी दीवार पे मार दीजिएगा स्कूटी, चोट लगेगी लेकिन कम से कम जान तो बच जाएगी। हमको बस लड्डू के भैया के पास ले चलिए, तभी हम सॉलिडिफाई होंगे। वैसे आप सॉलिडिफाई बोलना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। लो जी, तो फिर टक्कर गया मन ने, पर यो याड़े के करण लाग रहा से। ए छोरे सुन जरा, ए छोरे पूजा करण आया सा ना,
तो ठंडे दिमाग से, गुस्से भरे मन से आरती करण का कोई फायदा ना। तुम्हारी भलाई के बारे में ज्यादा ना सोचो।